यूपी बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर धर्म के आधार पर वोट मांगे। पार्टी के मुताबिक राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनदेखी की जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी टी वेंकटेश से मुलाकात की और राहुल गांधी के बयान को आधार मानकर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की। चुनाव आयोग को राहुल के भाषण की सीडी सौंपते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई करने की भी मांग की। तो बीजेपी नेताओं ने यह चुनाव आयोग से शिकायत की है और राहुल गांधी के भाषण की सीडी भी सौंपी गई है। उचित कार्रवाई की यहां मांग की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ रहे हैं। रविंद्र, बीजेपी की तरफ से क्या शिकायत की गई है और आगे क्या कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है? देखिए, राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद जब जनवेदना सम्मेलन कर रहे थे कालपुत्रा में, उन्होंने कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह हाथ उसकी तुलना उन्होंने गौतम बुद्ध और सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं, भगवान हैं, उनसे की थी कि वो ये उनका उनसे संबंधित है। और आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आधार पर राजनीति करने से मना किया था और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी बीजेपी ने करार दिया है। और इसीलिए कल लखनऊ में शिकायत की है और माना जा रहा है कि आज दिल्ली में भी चुनाव आयोग में बीजेपी के नेता शिकायत करेंगे राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ और मांग की है उस कि न सिर्फ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को रद्द किया जाए, उस चीज किया जाए, बल्कि कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो एक आप देखते हैं कि चुनाव के समय इस तरह के शिकायतें होती है। हालांकि माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस पर कमीशन लेके एक नोटिस जारी करेगा और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। सीडी क्योंकि सौंपी गई है, सबके सामने है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई न आज तक कभी हुई है, न आगे भी होने की संभावना। एक सेंस्योर किया जाएगा आगे इस तरह के बयान न दे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। अब आपको राहुल का वो बयान सुनाते हैं जिसको आधार मानकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। दरअसल राहुल ये बयान दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए जनवेदना सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। मेरी थिंकिंग थी कि कांग्रेस पार्टी, मुझे बताया गया था कि 100 साल पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी है, मगर एक दिन मैं फोटोज देख रहा था, शिवजी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। मैंने सोचा अजीब सी बात है। नहीं, सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने सोचा बड़ी अजीब सी बात है, शिवजी की फोटो में कांग्रेस का चिन्ह। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूं। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। इस्लाम में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बुद्धिस्ट, महावीर, मोजेस में भी, मतलब यहूदियों के धर्म में भी है। तो ये हो क्या रहा है? ये सब जगह कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान क्यों दिखाई दे रहा है?